हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मुझे बहुत खुद नहीं मालूम। बस आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने के बाद से बहुत सारे मेरी इंडस्ट्री के ही कुछ ऐसे एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो छुपे हुए थे अपने बिलों में चूहे की तरह, वो अचानक से बाहर आ गए हैं और अब खुल के बोलने लग गए हैं कि वी सपोर्ट रिया। क्या सपोर्ट कर रहे हैं भाई आप लोग? उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका सिलसिलेवार तरीके से मैं अब आपको ब्यौरा देने जा रहा हूँ। वो कहती है कि ये लड़का सुशांत जिसकी डेथ हुई, ये मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं इसके साथ में लिव इन में थी, इसको प्यार करती थी, प्यार करने की सज़ा मिली मुझे। ये 8 तारीख को उसका घर छोड़ कर गई थी, जून की 2020 की, और जब गई थी तो सारी फोटोज उसकी अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कहाँ का प्यार है भाई साहब ये? और फिर उसके बाद में, उसकी डेथ के बाद महीने भर बाद जब पब्लिक ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो उसने पैंतरा बदल लिया। उसने तुरंत अमित शाह जी को एक ट्वीट कर दिया कि सर मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे प्रेमी, मेरे दिवंगत प्रेमी सुशांत सिंह राजपूत की सुइसाइड का खुलासा कीजिए, पता लगाइए क्यों हुआ है। पता करने के लिए पब्लिक किससे पूछेगी या पुलिस किससे पूछेगी? रिया चक्रवर्ती से? ये तो खुद ही संलिप्त थी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कुछ छुपा रही थी ये तो सबको पता है। आप ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में इसके पैंतरे बदलते रहे। अब ये पुलिस के पास में गई 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, और वहां पर जाकर इसने अपने बयान दर्ज कराए। मैं ये जानना चाहूंगा कि इन बयानों में क्या उसने ये बताया कि सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया कराती थी। अब 2 बातें हैं साहब, अगर इसने ये बताया है कि हाँ मैं ड्रग्स मुहैया कराती थी और पुलिस को ये बात मालूम है और पुलिस ने नहीं बताई, तो इसमें पुलिस से सवाल किया जाना चाहिए, और अगर इसने पुलिस को नहीं बताई तो क्यों नहीं बताई? इसका मतलब छुपाया, ये कल्प्रिट है, इसका मतलब बड़ी खुली सी बात है। और पुलिस की भी इसमें भूमिका देखिए, वो इससे ये बात क्यों नहीं निकलवा पाई? पुलिस को इससे ठीक से इसका मतलब पूछताछ करनी चाहिए थी और पुलिस ने नहीं की इससे। फिर वहाँ पर जब नारकोटिक्स ब्यूरो इससे पूछताछ कर रहा था तो इसे जब लगा कि मेरा बचना अब थोड़ा मुश्किल है, इसने उल्टा प्रियंका सिंह के ऊपर, जो सुशांत की बहन है, उसके ऊपर इसने जाके एक इल्ज़ाम लगा दिया पुलिस स्टेशन में, FIR दर्ज कराओ। कितनी बचकानी, कितनी ओछी हरकतें करेगी ये लड़की। लेकिन मुझे आप लोगों पर, जो आप लोग, वो लोग जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों के ऊपर सोचता हूँ, भाई कहाँ है आप लोगों का ज़मीर, दिमाग? कुछ तो अकल कर लो आप लोग। Why the hell are you guys doing this? आप लोगों को क्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? मैं समझता हूँ कई लोगों को थोड़ा सा जुदा बात करने का शौक होता है, कई लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करने का शौक होता है, ऐसे होते हैं कई लोग कि पब्लिक से हट के बात करेंगे, हम तो कुछ अलग ही दिखेंगे। भाई ये इस समय अलग दिखने की ज़रूरत नहीं है, इस समय हट के बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय इंसाफ की बात करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा कि रिया चक्रवर्ती ने उसे मारा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो भी किया है वो बहुत खुले में दिख रहा है। मैंने तो नहीं कहा, नारकोटिक्स ब्यूरो कह रहा है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो चलो ठीक है, कुछ तो फिल्म इंडस्ट्री के हैं भी नहीं, एक वो सुपरस्टार की बेटी है, वो भी आज तक चुप थी, वो अचानक से आ जाके बोलने लग गई है। दूसरी बात, कंगना रनौत की बात भी कर लेते हैं। कंगना रनौत का मैं बहुत बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, उसकी कई फिल्में देखी हैं, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, इंडिया की टॉप 5 में आज तक की गिनूंगा मैं उसे। खैर मैं यहाँ कंगना की एक्टिंग की बात नहीं करूँगा। कंगना रनौत बहुत बेबाकी से बात करती है, कई बार शायद ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाती है, लेकिन साहब ऐसा भी कुछ नहीं बोलती है कि आप उसे सूली पर चढ़ा दें। थोड़ी सी ऊंच नीच बात कर जाती है, लेकिन उतनी तो सब लोग कर जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग को मैंने सुना है, बड़े बड़े अभिनेताओं को सुना है। अब कंगना रनौत के साथ में जो कुछ भी हो रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है या जो भी किया जा रहा है, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं एक आदमी है जिनका बहुत 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 ज़्यादा सम्मान करता हूँ, वो है स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे। उन्होंने शिवसेना का फाउंडर थे वो। अब साहब बाला साहब वो आदमी हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज या तानाजी मालुसरे जैसे योद्धा या बाजीराव पेशवा जी, ये हमारे ऐतिहासिक योद्धा हैं
और बाला साहब ठाकरे जी हैं हमारे मॉडर्न टाइम के योद्धा, ये उसी कड़ी के ही व्यक्ति हैं, ये उनसे कोई कम नहीं है। और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि महाराष्ट्र को अगर ये लगता है कि बाला साहब उनके हैं सिर्फ, तो नहीं साहब, वो पूरे भारत के हैं, पूरे भारत के लोग उनके नाम पे गर्व करते हैं। मुझे याद है एक टाइम पाकिस्तान की टीम यहाँ आने वाली होती थी, तो उन लोगों को ना तो इंडियन गवर्नमेंट से कोई वो होता था, ना उनको इंडियन पुलिस से या इंडियन आर्मी से कुछ होता था, सबके सब बाला साहब से डरते थे और हम इस चीज़ पे चौड़े होते थे। तो साहब, बाला साहब ठाकरे पूरे भारत का गौरव है, महाराष्ट्र का तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन पूरे भारत का गौरव है। ये युग पुरुष है, जो युग पुरुष होता है वो किसी प्रदेश का या किसी प्रांत का नहीं होता, पूरे भारत का होता है। हम सब भारतीय उन पे गर्व करते हैं, आज भी करते हैं। और उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम रखा शिवसेना। शिवजी ने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करना दिखाया, हमारे को सिखाया, और बाला साहब भी बहुत सम्मान करते थे। बाला साहब वो आदमी थे जिन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में भी कभी बिलीव नहीं किया। एक दूसरी पार्टी का जो रूलिंग पार्टी थी उस जमाने में इंडिया में, उनका बहुत बड़ा एमपी था, उनका बेटा जेल में था। बाला साहब से किसी ने रिक्वेस्ट की, एक और फिल्म स्टार ने जाके, कि भाई हमारी मदद कीजिए, ये लड़के को जेल से बाहर निकालिए, इसके साथ गलत हो रहा है। बाला साहब ने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी पार्टी का नहीं है या जो भी है कुछ भी है, बाला साहब ने मदद की। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल मैन, ही वॉज अ, वो दबंग थे, सही मायने में जो वर्ड होता है ना दबंग, वो बाला साहब थे। बाला साहब बहुत कुछ थे, लेकिन बाला साहब में एक चीज़ नहीं थी, बाला साहब अनफेयर नहीं थे, वो बहुत ही फेयर आदमी थे, बहुत ही न्यायप्रिय इंसाफ पसंद आदमी थे। इसीलिए तो उन्होंने उस दूसरी पार्टी के पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके बेटे की मदद की ना। आज जो भी हो रहा है वो बाला साहब होने नहीं देते। मैं ये बोलता हूँ कि किसी स्त्री का सम्मान करना शिवसेना का, किसी भी शिव सैनिक का परम कर्तव्य है। अगर कोई शिव सैनिक किसी स्त्री का सम्मान नहीं करता है तो वो बाला साहब के विरुद्ध जा रहा है, मैं ये बोलूँगा। और कंगना ने कभी भी मुंबई के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मुंबई के वातावरण के खिलाफ बोला। उसने बोला कि मुझे यहाँ पर, और वो वातावरण बनाने में हम ही लोग तो जिम्मेदार होते हैं, हम जैसे लोग ही तो बनाते हैं, पार्टीज बनाती हैं, यहाँ की अथॉरिटीज़ बनाती हैं। मुंबई तो खूबसूरत जगह है साहब, मेरे को तो पूरी दुनिया में मुंबई से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है, कहीं भी चले जाओ वापस मुंबई आने का मन करता है। तो मैं ये आप सबसे अपील करता हूँ जो भी इसको देखेंगे, कि प्लीज़ हमें किसी का भी, चाहे वो रिया चक्रवर्ती भी हो, हमें किसी का भी सम्मान छीनने का हक नहीं है। किसी ने गलती की है तो वो बाहर आ जाएगी, लेकिन प्लीज़ किसी के साथ अभद्र भाषा में बात ना करें हम लोग, तो बहुत अच्छा होगा। और जो लोग बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो बहुत बड़े बड़े अभिनेता हैं, वो लोग इस समय एवरीबडी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स देम, सब लोग उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए उनकी ओर देख रहे हैं, तो आपके शब्दों का वजन आम समय से अधिक हो जाता है इस समय। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे कि आप लोग हल्के नज़र आएँ, या लोगों के बीच में कुछ सांप्रदायिकता या किसी भी किस्म का कोई रोष फैले, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रही बात सुशांत सिंह के वो वीडियोज़ जो लीक किए गए हैं, मैं क्या कह सकता हूँ साहब, सुशांत क्या था ये उसे चाहने वाले हम सब लोग तो जानते ही हैं। ये जो एक पीयर मशीनरी कहीं काम कर रही है, कभी सुशांत के पापा के पीछे पड़ जाते हैं, कभी उसकी बहनों के पीछे पड़ जाते हैं, तो साहब ये तो बहुत ही खेदजनक बात है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, सच बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो पार्टी महाराष्ट्र में है पावर में, उनके पास अब भी मौका है टू सेट द थिंग्स स्ट्रेट। आप लोग बहुत पावरफुल हैं और आप लोग बहुत जस्ट हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, आपसे बहुत लोगों को उम्मीदें हैं। प्लीज़ उन उम्मीदों पर खरे उतरिए और झूठों का साथ मत दीजिए। और मैं फिल्मी जो इंडस्ट्री के, टेलीविजन इंडस्ट्री के कुछ बरसाती मेंढक हैं जो सिर्फ अलग दिखने के लिए या अलग साउंड करने के लिए किसी का साथ देते हैं, उनसे मैं कहूँगा भाई मत करो ये सब, बहुत छिछोरा लगता है ये सब, प्लीज़ मत करो।